अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दानिश यूसुफ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप ओमान के अंदर टीचिंग जॉब के हवाले से जो भी आपकी क्यूरी थी, काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे कमेंट करके यूट्यूब पे, फेसबुक पे काफ़ी सारे लोगों ने पूछा कि ओमान में टीचिंग जॉब के हवाले से एक वीडियो बनाए, तो आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। आपको मैं बताऊँगा इस वीडियो में डिटेल से कि क्या एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है, कितनी सैलरी रेंज होती है, सब मैं बताऊँगा इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला। तो वीडियो आखिर तक देखनी है, और अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन पे कि क्या एजुकेशन रिक्वायर्ड होती है एक टीचिंग जॉब के लिए, अगर आपको ओमान में टीचिंग जॉब करनी है उसके लिए। तो सबसे पहले आपका मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए, और उसके बाद जो है आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। पाकिस्तान में जो है बीएड की डिग्री 4 साल की होती है, 2 साल का मास्टर होता है, 2 साल की बीएड की डिग्री की क्वालिफिकेशन होती है। आपके कंट्री में अगर आप इंडिया या बांग्लादेश हैं तो आपके कंट्री में बीएड 4 साल की होती है, 2 साल की होती है। बस मैंडेटरी है कि आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए अगर आपको टीचिंग जॉब करनी है ओमान के अंदर। फर्स्ट हो गई कि मिनिमम ग्रेजुएशन होनी चाहिए, सेकेंड हो गई कि बीएड की डिग्री होनी चाहिए, थर्ड चीज़ जो चाहिए होती है आपको चाहिए होता है टीचिंग लाइसेंस, जो कि पाकिस्तान में PTLE के नाम से होता है, पाकिस्तान टीचिंग लर्निंग एग्जामिनेशन। वो लाइसेंस इश्यू करते हैं कि जिसकी बेस पर आप जो है इंटरनेशनली आप टीचिंग कर सकते हैं। वो पाकिस्तान में होता है, अगर आप बांग्लादेश या इंडिया से हैं तो आप अपने कंट्री के हिसाब से देख लें कि आपके कंट्री में कौन सा लाइसेंस होता है इंटरनेशनल टीचिंग करने के लिए। तो ये 3 चीज़ें हो गई, सबसे पहले मिनिमम ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और उसके बाद जो है बीएड की डिग्री होनी चाहिए, थर्ड आपके पास टीचिंग का लाइसेंस होना चाहिए इंटरनेशनली कि आप टीचिंग कर सकें। तो ये 3 चीज़ें हो गई, और इसके बाद जो मैंडेटरी अब हो गया, पहले ये मैंडेटरी नहीं होता था बट अब जो है वो मैंडेटरी हो गया है, वो होता है IELTS। क्योंकि अगर आप एक बाहर के कंट्री में जा रहे हैं जॉब करने के लिए तो वहाँ पे यूनिवर्सल लैंग्वेज जो होती है वो इंग्लिश ही होती है, इस वजह से आपको इतनी अंग्रेजी आनी चाहिए कि आप यहाँ पे दूसरों से बात कर सकें। तो IELTS जो है मैंडेटरी हो गया, उसके लिए मिनिमम बैंड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपको पास करना है IELTS का टेस्ट। जो कि ये 4 चीज़ें हो गई, ये होता है मिनिमम रिक्वायरमेंट टू अप्लाई फॉर द टीचिंग इन ओमान। ये आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और ये लाइसेंस और सर्टिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए अगर आपको जॉब करनी है टीचिंग की ओमान में। तो अब हम बात करते हैं एक्सपीरियंस की। एक्सपीरियंस जो है मिनिमम, जितनी मैंने जॉब पोस्ट देखी है टीचिंग के हवाले से, तो आपका मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जॉब के लिए अगर आपको टीचिंग की जॉब करनी है ओमान में। मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके अलावा अगर जितना भी ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा वो डिपेंड करता है आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर थोड़ी मिड लेवल या अपर क्लास की जॉब की पोजीशन है तो जाहिर सी बात है आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होगा। उसके अलावा अगर आपको लोअर पोस्ट पे आप स्टार्ट करना चाहते हैं बेसिक से, तो मिनिमम 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर पाकिस्तान स्कूल या इंडियन स्कूल, जो बांग्लादेशी स्कूल होते हैं, वो अपनी कम्युनिटी के जो स्कूल्स होते हैं उनकी मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है वो 5 ईयर्स की होती है। और इसके अलावा बाकी सारे प्राइवेट स्कूल भी हैं, जिस जो छोटे स्कूल हैं उसमें आपको 2 साल के एक्सपीरियंस पर भी जॉब मिल जाती है। तो ये एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है कि मिनिमम जॉब के लिए ओमान में, अगर आपको जॉब करनी है टीचिंग की तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है एक्सपीरियंस की। इसके बाद हम चलते हैं, एजुकेशन हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, तो अब हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए होती है। डॉक्यूमेंटेशन आप जिस भी होम कंट्री से, अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपके सारे डॉक्यूमेंट, आपकी डिग्री, आपकी सर्टिफिकेशन, आपका टीचिंग लाइसेंस, ये सब अटेस्ट होगा फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स से। जब वहाँ से अटेस्ट होकर जब आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको सबमिट करवाने पड़ेंगे। और यहाँ पे हायरिंग कैसे होती है, हायरिंग का भी मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस बताता चलूँ कि यहाँ पर बाकायदा एक न्यूज़पेपर पे ऐड आता है, जिस भी स्कूल में वैकेंसी आती है उसका ऐड आता है या उनके पेज पर पोस्ट होती है, उसके बाद जो है इंटरव्यू होता है प्रॉपर चैनल के थ्रू, उसके बाद आपकी सिलेक्शन होती है, उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंटेशन है जो आप अटेस्ट करवा के लाते हैं अपने होम कंट्री की फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स से, वो यहाँ पर आकर जब आप उनको डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं वो डॉक्यूमेंट यहाँ की जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उनके पास जाते हैं और वो उनकी अटेस्टेशन करती हैं, वो उसकी अप्रूवल देती हैं कि यस, जो आपने अपनी कंट्री, होम कंट्री से डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाए वो लीगल हैं या नहीं है, उसकी ऑथेंटिकेशन होती है यहाँ की फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है यहाँ की, उसकी ऑथेंटिकेशन करती है। उसके बाद जो है, अब आपको मैंने बता दिया कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है, आपका एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। इसके अलावा अब हम चलते हैं 4थी चीज़ की तरफ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सैलरी रेंज क्या होती है। सैलरी रेंज जो है यहाँ पर
डिपेंड करता है आप किस किस स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं। स्कूल की भी जो है मैं टाइप बता दूं यहाँ पे कौन कौन से स्कूल्स होते हैं। देखें, मैंने आपको बता दिया कि पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, इस तरह के भी स्कूल्स हैं जहाँ पे आप टीचिंग कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सेम इन्वायरमेंट होता है आपके होम कंट्री में जैसे स्कूल्स का होता है। उसके अलावा जो है इंटरनेशनल चेन्स भी, अमेरिकन स्कूल, बीकन हाउस, सिटी, ये सारे चेन्स भी जो है यहाँ पर अवेलेबल हैं, जहाँ पे ऑब्वियसली अगर आप अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, अगर आपकी जॉब हो जाती है तो वहाँ पे सैलरी पैकेजेस अच्छे होते हैं एज कम्पेयर टू अपने जो कम्युनिटी स्कूल्स होते हैं उनके। तो इसके अलावा जो है यहाँ के लोकल स्कूल्स भी होते हैं जिसमें बायलिंगुअल लैंग्वेज होती है। उसके अलावा जो आप अगर हाई लेवल ऑफ एजुकेशन आपके पास है टीचिंग के हवाले से भी, अगर आप अच्छे स्कूल में जॉब करना चाहते हैं, तो वो भी अपॉर्चुनिटी आपको ओमान में मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो अब मैं आपको बताता हूँ सैलरी रेंज क्या होती है। यहाँ पे मिनिमम जो सैलरी रेंज है वो 400 से 600 तक होती है अगर आप मिड लेवल के स्कूल में टीचिंग की जॉब करना चाहते हैं। लेट सपोज कि अगर आप कम्युनिटी के स्कूल में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे 400 से 600 आपकी सैलरी रेंज होगी। उसके अलावा आप अगर आप चले जाते हैं इंटरनेशनल स्कूल में आप जॉब करना चाहते हैं टीचिंग की, तो वहाँ पर जो सैलरी रेंज है वो 800 से लेकर 1200 ओमानी रियाल तक सैलरी पैकेजेस हैं। तो इस सैलरी पैकेज के अलावा जो अकोमोडेशन अलाउंसेस वगैरह भी होते हैं, HR हो गया, अदर अलाउंस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस हो गया, और कंपनी अकोमोडेशन भी होती है, वो डिपेंड करता है आपके पैकेज पे। अगर आपको अकोमोडेशन लेना है उनका, स्कूल वालों का जो भी होता है, अगर लेना है तो आपको अकोमोडेशन दे देते हैं, अगर आपको अकोमोडेशन नहीं लेना तो HR अलाउंस दे देते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर आप ओमान में टीचिंग जॉब करना चाहते हैं, टीचिंग जॉब का एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आप ओमान में आपको क्या सैलरी मिल जाएगी, क्या एक्सपीरियंस चाहिए होता है, क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, कैसे अटेस्टेशन होती है, हायरिंग प्रोसेस क्या होता है, जहां तक मुझे इल्म था मैंने आपको सारा बता दिया है। आई होप सो कि काफी सारे लोगों के क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए होंगे। अगर इसके बाद भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे कॉमेंट सेक्शन में आके पूछ सकता है, इंशाल्लाह ताला अगर मुझे उसका मालूम हुआ तो मैं जरूर जवाब दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कर जरूर कीजिएगा, और ये इन्फॉर्मेशन आगे तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो मुझे दीजिए इजाजत अपनी नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।